नमस्कार, सेल के भिलाई स्टील प्लांट से मैं डॉक्टर जॉली मैथ्यू सेल ट्रैक के 66वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं कंपनी के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और देश में स्थित प्लांट्स एवं यूनिट्स की महत्वपूर्ण खबरों से। सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 15 अगस्त 2022 को नई दिल्ली स्थित कॉरपोरेट ऑफिस में राष्ट्र ध्वज फहराकर देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं को नमन किया। सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने इस अवसर पर कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा, I hold my head high as SAIL has successfully and passionately celebrated the Azadi Ke Amrit Mahotsav by hosting the Har Ghar Tiranga. The spirit of independence has multiplied benefits with the collective participation of across all fronts. As I always say, there cannot be a bigger tribute to a nation than fulfilling our individual responsibilities as a citizen, as a member of society and as an employee. Let us pledge to remain honest in rendering our responsibility in the given capacity and celebrate India at 75. Jai Hind. SAIL registered a growth of 16.4% in its revenue from operations in the first quarter of financial year 2022-23 over corresponding period last year and recorded the best ever Q1 production. The company's performance highlights of Q1 production are crude steel production 4.33 million tons, sales volume 3.15 million tons, revenue from operations rupees 24,029 crore, EBITDA rupees 2,606 crores, profit before tax rupees 1,038 crore, profit after tax rupees 776 crores. कंपनी के बोकारो संयंत्र की क्यूसी टीम अंतरध्वनि ने एक इनोवेशन के जरिए कंपनी के 17.83 करोड़ रुपए की बचत करने की उपलब्धि हासिल की है। संयंत्र की CRM3 की HDGL परिचालन की इस क्यूसी टीम अंतरध्वनि ने HDGL इकाई में इंपोर्टेड XRF माप यंत्र के विकल्प के तौर पर DAK का डाटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग का एक फॉर्मूला तैयार किया, जिससे ऑनलाइन माप यंत्र के जिंक कोटिंग की शुद्धता को बढ़ाकर अथवा घटाकर GSM की परिशुद्धता तक नियंत्रित करना आसान हो गया। इससे वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 17.83 करोड़ रुपए की बचत हुई है। A SAIL Swarna Jayanti Monument was inaugurated by Mr. Atanu Bhaumik, Director in Charge, SAIL Rourkela Steel Plant at Sector 14 Roundabout on the auspicious occasion of the 76th Independence Day of the country. The monument showcases the SAIL Swarna Jayanti logo to mark the 50 years of incorporation of the company. हाल ही में छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप में भिलाई संयंत्र के कुश्ती क्लब के खिलाड़ियों ने फ्री एवं ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 11 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक हासिल कर स्टेट चैंपियनशिप का खिताब जीतने का गौरव हासिल किया है। दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भिलाई संयंत्र के ही श्री BM ठाकुर ने रजत पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की है। Do you know, in India, the National Small Industry Day is celebrated on 30th of August every year to support and promote small industries for their overall growth potential and opportunities received for their development.
अब बारी सेल ट्रैक के 65वें एपिसोड में दिखाए गए वीडियो क्लिप के सही जवाब की। सही जवाब है अमित वी मासूरकर द्वारा निर्देशित और 2017 को रिलीज हुई फिल्म न्यूटन। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम हैं मिस्टर विशाल श्रीवास्तव, मिस पूनम त्रिपाठी, मिस लीना आर कुमार, मिस्टर सूरज तिवारी, मिस्टर सुहादीप चक्रवर्ती। चलते चलते आपके लिए पेश है यह वीडियो क्लिप। हम लक्ष्मणपुर गए थे घायलों को देखने। जी, वो अखबार में खबर भी छपी थी। आपको बताना है कि यह वीडियो क्लिप किस फिल्म या वेब सीरीज से लिया गया है। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। आपको याद दिलाते चले कि अगर आपने सेल का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार बिल्कुल ना भूलें, ताकि सेल ट्रैक के रिलीज होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद।